नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। दरार पर विराम। जी हां, बात अगर बिहार की कर रहे हैं और बिहार एनडीए की कर रहे हैं तो इस पर अब विराम लग गया। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से हम प्रमुख जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयानों और हाल के दिनों में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के एक साथ की मुलाकात पर सियासी पारा तेज हो गया था, जिस पर आज विराम लग गया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। पूर्व सीएम ने आगे यह भी कहा है कि गरीबों के मुद्दे पर हम अविरोध यानी कि अनुरोध पूर्वक आवाज उठाते रहेंगे। मामला गरमाते हुए देख जीतन राम मांझी ने बयान देकर कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है। आपको बता दे कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी दो छोटे दलों के बूते टिकी हुई है, जिनमें दो दलों की अगर बात करें तो दो दलों के सहारे नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और उनके नेताओं का मन अब डोल रहा है, जिसमें एक तो हम पार्टी है जिसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी है और दूसरी वीआईपी है जिसके अध्यक्ष जो हैं वो मुकेश सहनी। तो बिहार में एनडीए में खटपट की आवाजें निकलकर सामने आ रही थी, खटपट की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और यह कहा जा रहा था कि स्थितियां सही नहीं है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की अगर बात कर ले तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे, चाहे बात आपको वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उन पर छपी तस्वीर को लेकर हो। तो इस पर भी आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर तस्वीर हो सकती है तब तो आपको जो मृत हो रहे हैं उनके उस सर्टिफिकेट यानी कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी आपकी तस्वीर होनी चाहिए, उस पर भी लगाइए। इसको लेकर काफी दिनों तक हंगामा चलता रहा कि स्थितियां थी और जीतन राम मांझी कई बार इस तरीके से देखा गया है कि अपनी बातें प्रखर होकर रखते रहे हैं और इस तरीके से फिर से उन्होंने अपनी बातें रखी थी, लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो थोड़ी बहुत संभालने की बात कही जा रही है। और स्थितियां ये हैं कि अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम तो एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। बहरहाल बिहार की राजनीति को लेकर कई तरह की अटकलें हवा में उड़ रही हैं। वैसे तो हम के प्रवक्ता अगर दानिश रिजवान की बात करें तो उन्होंने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के कार्य पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, बिहार की सत्ता नहीं डोलने वाली है। नहीं है, देखिए कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीति खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिसमें प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, दरार पर विराम लगाने की पूरी कोशिश की गई। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ेंगे। निर्भय, क्या स्थितियां हैं, क्या वाकई में दरार में विराम लगता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल अविनाश, देख सकते हैं कि दरार पर विराम जिस तरीके से बातें सामने आई है, अगर बैठक जो हुई है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि आज जो हम प्रमुख के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है पार्टी कार्यकारिणी की, इसमें उन्होंने साफ कहा है और इससे पहले जिस तरीके से कयासे जो लगाई जा रही थी, लगातार जो उथल पुथल दिख रहा था, एनडीए में दरार की बातें की जा रही थी और विपक्ष इस पर लगातार हमलावर था। विपक्ष का कहना था कि जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से एनडीए में जो जीतन राम मांझी के जो तेवर दिख रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल देते हैं, वो सरकार की तैयारियों पर लेकर के लगातार अपनी बातें कहते हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के जो फैसले लिए थे तब भी उन्होंने कहा था कि इस लॉकडाउन का समर्थन नहीं करेंगे। जब ये पहली बार लॉकडाउन पर चर्चा हो रही थी तो ऐसे में जिस तरीके से वो लगातार विरोध कर रहे थे, एक तरीके से उनके विरोध के ही तेवर थे। हालांकि आज जब बैठक हुई और इस बैठक में उन्होंने ये कहा है कि वो विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि वो अपनी मांग रख रहे थे और मांग उठाते रहेंगे, लेकिन उनकी मांगे क्या होनी चाहिए जरा सा एक बार समझने वाली बात है अविनाश। बिल्कुल, इस पर देखिए निर्भय, आपने कहा है कि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर बातें हो या फिर बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर बातें हो या फिर पत्रकारों के साथ इस तरीके से बदसलूकी की भी कई खबरें आई उस पर भी प्रखर होकर उन्होंने अपनी बातें रखी, मतलब कहीं ना कहीं एनडीए में रहते हुए एनडीए के कार्यों पर सवाल जीतन राम मांझी उठाते रहे।
बिल्कुल वो अपनी कार पर जो है वो सवाल लगातार उठाते रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को भी बचाने में लगे हुए हैं। अविनाश इसको समझना होगा, उस वक्त से जब बीते दिनों हिंदी पत्रकारिता दिवस थी तब उन्होंने पत्रकारों को कहीं ना कहीं कह सकते कि बधाई नहीं दिया था, उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया था और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मैं उन लोगों को क्या बधाई दूं जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो पत्रकारों के लिए मांग रखी थी सरकार ने अब तक उसको नहीं मांगा है और उसका जिक्र जरा सा करके देखा जाए तो साफ तौर पर वो अपनी पार्टी की स्थितियों को भी बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में कई चीजें थी और कई चीजों को लेकर उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकर्षित किया था कि ये बातें उन्होंने कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए था, ये तमाम बातें कही थी, उसको लेकर भी उन्होंने कई ट्वीट किए थे, कई बातें रखी थी। और अब जबकि कहा यह जा रहा है कि जितेंद्र मांझी और वीआईपी जो सुप्रीमो मुकेश सहनी है इनके दोनों हाथों में लड्डू है, कहीं भी कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है निर्भय, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बयान जो है उनका, ये जो सियासी पारा जो चढ़ा हुआ था उस पर विराम लगाता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर ये बातें सामने आई है और सच में अगर उन्होंने ये बातें तय कर ली हैं कि हाँ वो एनडीए छोड़ करके अलग नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस पर विराम लग सकता है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के हाथ में एक बड़ी कह सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू है, इधर सरकार में है लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इधर से हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार मुश्किल में आ जाएगी और नीतीश सरकार कहे या फिर एनडीए की सरकार जो है वो एनडीए की सरकार संकट में हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ विपक्ष देखे तो विपक्ष लगातार मजबूती के साथ अपने पांव को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है और अब लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं जेल से बाहर आना और उसके बाद बिहार आने की जो बातें हैं तो अब इस गर्माहट तो है। लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के बाद राजनीतिक गलियारों में गर्माहट तो है, सरगर्मी तेज तो है, लेकिन हम जिन दो नेताओं की बात कर रहे हैं उनमें से एक नेता जितेंद्र मांझी हैं इनकी बातों पर इस तरीके से तो विश्वास बहुत कम हो पाता है, क्योंकि जितेंद्र मांझी ऐसे कई बयान देते रहे हैं और अपने बयानों से पलटते रहे हैं। पलटने का सिलसिला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि नहीं महागठबंधन के साथ हैं हम, महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन अचानक से जब उस तरीके से उनके पक्ष में मूवमेंट नहीं बना तो वो महागठबंधन छोड़ के जेडीयू के साथ जुड़े, जेडीयू के साथ जुड़ने के बाद वो एनडीए में आए। इसके बाद अगर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात कर लें तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें याद है निर्भय, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर तेजस्वी यादव पर सीधा आरोप लगाते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए थे और उसके बाद वो बीजेपी के साथ जुड़े और फिर एनडीए में आए। देखिए दोनों नेताओं को लेकर ये कहा जाता रहा है कि स्थितियां जिधर भी इनके पक्ष की रहती है वो इधर जाते हैं और यही है कि दोनों ही दलों के नेता आज बिहार सरकार में मंत्री हैं। क्या इससे बड़ा अगर ऑफर मिल सकता है तो डोल सकती है नियत निर्भय? बिल्कुल डोल सकती है, क्यों नहीं, नहीं है डोल सकेगी। आपने जिस तरीके से बातें की, चाणक्य होटल की वो तस्वीरें थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था महागठबंधन का और जो वीआईपी प्रमुख है मुकेश सहनी वो सिर्फ एक अपने डिप्टी सीएम पद के लिए उन्होंने पार्टी को त्यागा था और जिस बात का हालांकि भले ही उनको भरोसा दिया गया था लेकिन उस अनाउंसमेंट के दौरान जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तेजस्वी यादव जब पूरे महागठबंधन के पार्टियों के साथ जब बैठक कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब उनके नामों की घोषणा नहीं की तभी वहां पर नाराजगी दिखी थी वीआईपी प्रमुख की और क्यों नहीं, अगर उनको पद चाहिए वो पद के लिए ही बातें कर रहे हैं और ऐसे में अगर उनको पद मिलेगा तो वो जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजनीति और किसी भी कयासों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर वही बात हम प्रमुख की करें तो हम प्रमुख महागठबंधन में होने के साथ भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विरोध करते आए थे और एक बार फिर से वो एनडीए में है तो एनडीए में विरोध कर रहे हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हम मांगों को यानी कि जनता की जो जरूरी मांगे होती है उस मांगों को लेकर के बोलते रहेंगे और आज भी उन्होंने साफ कहा, ये कहा जरूर है कि वो एनडीए में रहेंगे लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी मांगों को लगातार उठाते रहेंगे और उनकी आवाजों को कोई नहीं दबा सकता है। हालांकि अब क्या स्थिति बनती है अविनाश इस पर देखने वाली बात होगी, लेकिन जो कयासें लग रही थी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो खिचड़ी पक रही थी अंदर खाने से कि एनडीए में विरोध है, एनडीए में गतिरोध है, अब उस पर थोड़ी सी विराम जरूर लग सकती है अगर उनके बातों पर भरोसा करे तो। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे या जो गर्माहट लाने की कोशिश की जा रही थी उस पर थोड़ा सा पानी जरूर डाला है जितेंद्र मांझी ने, उस कयासों पर विराम लगाने के लिए या वो जो बातें निकलकर सामने आ रही थी उन पर विराम लगाने की कोशिश जरूर की है जितेंद्र मांझी ने। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि जितेंद्र मांझी ने अपने बयान से जो दरारें एनडीए में पड़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाया। We'll be right back.